पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन अप्रैल 2024 तक हो जाएगा तैयार। 1209 करोड़ की लागत से हो रही है निर्माण का काम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड, पटना में बता दूं कि राजधानी पटना में पटना एयरपोर्ट का नया निर्माण भवन जल्द ही पटना वासियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा और भवन के निर्माण में आधुनिक तरीके और तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का काम भी काफी धीमी चल रहा है, क्योंकि दिसंबर 2022 में ही इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो मैं बता दूं कि ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन 2024 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि 75% जो है काम पूरा हो चुका है। जितना काम बाकी है, बचा है, उसे पूरा होने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त भी लगेगा और 1209 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन की क्षमता करीब 50 लाख यात्रियों की होगी। बता दें कि इसका निर्माण कार्य जो है 2019 दिसंबर से शुरू किया गया था और मैं बता दूं कि भारत के पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन 2024 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। टर्मिनल भवन का निर्मित क्षेत्र जो है, आपको मैं बता दूं कि 65,155 वर्ग मीटर है और व्यस्त समय के दौरान जो है आपको 3,000 यात्रियों को संभालने की सक्षम होगा। नए टर्मिनल भवन में 52 चेक इन काउंटर, 6 इन लाइन एक्सरे, बैगेज स्कैनर भी शामिल होंगे और पटना हवाई अड्डा के आप विस्तार 2018 में शुरू हुआ, इसकी लागत लगभग 121.6 बिलियन येन होने की उम्मीद है। नए टर्मिनल के मूल रूप से 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन कोविड-19 महामारी कारण से देरी हुई और 2023 तक जो है 70% का काम जो है आपको मैं बता दूं कि पूरा कर ली गई है। और पटना का ये नया जो है टर्मिनल भवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे में फिनिशिंग का भी काम शुरू कर दी गई है। आपको बेसमेंट में जो है फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। मैं बता दूं कि पटना का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर कमेंट में बताएं। जय हिंद।